हेलो दोस्तों, आज मैं जिस प्रोडक्ट का रिव्यू लेकर आया हूँ वो एक शैम्पू है, जो शैम्पू प्लस कंडीशनर है दोनों मिक्स किए हुए हैं। तो इस प्रोडक्ट का नाम है सुरभि शैम्पू प्लस कंडीशनर विथ आंवला एलोवेरा एंड ग्रीन टी। तो चलिए इसका एक रिव्यू देखते हैं, मैं आपको इसकी सारी जानकारी बताऊंगा, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चलिए बात करते हैं। यह सुरभि का शैम्पू प्लस कंडीशनर विद आंवला एलोवेरा एंड ग्रीन टी वाला शैम्पू और कंडीशनर दोनों का काम करता है, जो काफ़ी हर्बल प्रोडक्ट है, जो आपके प्रिपेयर्ड फ्रॉम आयुर्वेदिक हर्ब्स रूट्स एंड एक्सट्रैक्ट बाय रिजल्ट ऑफ कंस्टेंट रिसर्च। यह हर्बल प्रोडक्ट है सुरभि का, इसमें आंवला भी है, एलोवेरा भी है और ग्रीन टी भी है। यह 200 ml की बोतल आती है, जो सुरभि हेयर शैम्पू के नाम से आपको मार्केट में मिलेगा। यह काफ़ी अच्छा है और 100% आयुर्वेदिक हेयर केयर है। यह आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करेगा, बालों को झड़ना रोकेगा और आपके जो सर में डैंड्रफ डैमेज है या ड्राई हेयर है तो उसको भी कंडीशनिंग करेगा। यह आपके बालों में जिस किसी भी प्रकार की जो परेशानी होगी उसको भी दूर करेगा, आपके बालों को मुलायम और आपकी स्कल्प को कंडीशनिंग करेगा। इसमें आंवला है, भृंगराज है, ग्रीन टी है, एलोवेरा है, रेटा है, शिकाकई है, यह 6 चीज़ें इसमें मिली हुई है। ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, जो हर्बल प्रोडक्ट है एक सुरभि का हेयर शैम्पू प्लस कंडीशनर। यह 200 ml का है, जो 120 रुपये तक आपको किसी भी शॉप पर या अमेजन फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगा। इसकी 36 मंथ की एक्सपायरी डेट है। यह काफ़ी अच्छा है, जो आपके बालों के जितनी भी जो परेशानियां हैं उनको दूर कर सकता है, जैसे डैंड्रफ है, हेयर फॉल है, तो उनके लिए ये शैम्पू अच्छा है। तो इसमें नीचे लिखा हुआ नो साइड इफेक्ट। तो चलिए इस शैम्पू के बारे में मैं कुछ आपको बता दूं कि ये जो सुरभि का जो शैम्पू प्लस कंडीशनर है, इसमें जो आंवला एलोवेरा ग्रीन टी जो भी बहुत सारी चीज़ें मिली हुई है, यह देखने पर तो हर्बल लगता है कि यह 100% हर्बल प्रोडक्ट होगा, पर मुझे लगता है कि यह प्रोडक्ट 100% हर्बल नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें लिखी हुई नहीं है, इसमें ऐसी भी हर्बल चीज़ें ही लिखी हुई है, जैसे आंवला, भृंगराज, ग्रीन टी, एलोवेरा, रीटा एंड शिकाकई। पर मुझे लगता है इसमें सोडियम लॉरेल सल्फेट SLS है और पैराबीन और आर्टिफिशियल कलर और फ्रेग्रेंस भी मिले हुए हैं, जो इस पे लिखी हुई नहीं है। तो ये 100% सेफ प्रोडक्ट नहीं है, इसका आप ज़्यादा यूज़ ना करें तो अच्छा है। मैंने भी ये प्रोडक्ट लाया था, मुझे लगा कि ये हर्बल प्रोडक्ट होगा बालों के लिए, पर फिर मैंने जब यूज़ किया तो मुझे कहीं लगा कि शायद ये 100% सेफ प्रोडक्ट नहीं है, फिर मैंने इसे बालों पर यूज करना बंद कर दिया। हाँ, हफ्ते में एक दो बार आप इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा यूज ना करें तो अच्छा है, क्योंकि इसमें बहुत से केमिकल मिले हो सकते हैं जो इस पे लिखे हुए नहीं हैं। लेकिन बहुत इसका अगर आप थोड़ी सी मात्रा में या हफ्ते में एक दो बार यूज करें तो चलता है, लेकिन आप इसे रोज़ यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये 100% सेफ प्रोडक्ट नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। फिर भी आप एक बार ट्राई ज़रूर करें इसे, और फिर आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा। मैंने इसे 120 रुपये में ख़रीदा था, जो 200 ml की बोतल आती है। मैंने भी इसे यूज़ किया था लेकिन फिर बंद कर दिया, तो मैंने ये हर्बल प्रोडक्ट देख के ये तीनों बोतल एक साथ ही ख़रीद ली थी, लेकिन फिर मैंने इसे यूज करना बंद कर दिया। और अभी मैं जो जिस प्रोडक्ट का यूज करता हूँ, जो शैम्पू है, वो है मुक्ति गोल्ड का हर्बल हेयर वॉश, जिसका मैं यूज करता हूँ, जो आप मेरे पिछले वीडियो भी देख सकते हैं, जिसका रिव्यू मैंने दिया हुआ है।
आप इसका उपयोग हफ्ते में एक दो बार ही करें, ज़्यादा इसका उपयोग ना करें तो अच्छा है। ठीक है, और भी आपके कुछ सुझाव हो तो कमेंट करें, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी जानकारी आपको आपका फीडबैक हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। थैंक यू।